पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ये उत्पत्ति 3, प्रेज द लॉर्ड, उत्पत्ति 3:4-7 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिसके पास बाइबल नहीं है वो नीचे ये आपका स्क्रीन पर देखें, और जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल निकालें और समझिए इस वचन को, क्योंकि ये वचन आपका जीवन बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। 5, परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। विश्वास, विश्वास क्या है? बाइबल हमें बताती है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उसी पल हम उद्धार पाते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया, उसने अपना लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं, अगर हम विश्वास करते हैं, उसी पल हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, हम पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं, हालेलुया, निष्कलंक हो जाते हैं, शाप पापों से मुक्त हो जाते हैं हम, जिस पल हम विश्वास करते हैं। विश्वास में वो ताकत है। बाइबल कहती है हम विश्वास करें और आशीष पाएं। हमें कुछ नहीं करना, हमें विश्वास करना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या किया हवा ने? उसने भी विश्वास किया, लेकिन कौन सा विश्वास किया? उसने शैतान पर विश्वास किया। इस दुनिया में, इस वातावरण में दो तरीके की शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो धार्मिकता की शक्ति, जिसमें पवित्रता है, जिसमें सामर्थ है, जिसमें परमेश्वर आपका, जिसमें परमेश्वर की इच्छा है, और एक दुष्ट आत्माओं की शक्ति। ध्यान से समझिए, एक दुष्ट आत्माओं की शक्ति और एक परमेश्वर का सामर्थ, उसकी धार्मिकता की शक्ति इस पूरे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है। हालेलुया। अब जैसा आप विश्वास करते हैं वो शक्ति आपके जीवन में काम करती है। हालेलुया। जैसे आपने परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे, उसकी धार्मिकता आपके अंदर आएगी और वो काम करेगी। लेकिन अगर आप शैतान की बातों पर विश्वास करेंगे तो शैतान की दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आएंगी और वो काम करेंगी। क्या हुआ था यहां पर? हवा ने विश्वास किया। शैतान ने कहा, कह रहे नहीं, तू मरेगी नहीं, ये जो फल है ये तुझे जीवन देगा, ये जो फल है तेरी बुद्धि खोलेगा, देख कितना अच्छा फल है, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। हालेलुया। और हवा ने कहा, हाँ शैतान सही कह रहा है, ये सर्प सही कह रहा है, मेरी बुद्धि खुल जाएगी, मुझे मानव सम्मान मिलेगा। क्या चाहता है आज का इंसान? मान और सम्मान, दौलत, सिक्योरिटी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान कहता है कि तू अगर मुझे नतमस्तक करेगा तो मैं तुझे यूं ही दे देगा। हालेलुया। आपको याद है वो उपवास का दिन जब यीशु मसीह उस रेगिस्तान में थे और 40 दिन का उपवास कर रहे थे? हालेलुया। शैतान वहां पहुंचा, शैतान ने कहा, ए यीशु, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझ में तो सामर्थ है, मैं तुझे ये संसार, तुझे संसार की चकाचौंध, संसार का पैसा, संसार का मान और सम्मान तुझे यूं ही दे सकता हूं, अभी दे सकता हूं, क्योंकि ये मुझे दिया गया है। लेकिन तुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे नतमस्तक होना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे आगे नमन करना पड़ेगा। यीशु ने कहा, है शैतान, लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुको, लिखा है कि परमेश्वर के सामने ही नतमस्तक करो, और कोई नहीं है जिसके सामने हम नतमस्तक करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? शैतान भाग गया वहां से, और परमेश्वर का आशीष यीशु मसीह के पास अनंत काल तक के लिए रहा।
परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक हमारा इंतजार कर रहा है मेरे भाई, हमारे विश्वास का। जब हम विश्वास करते हैं तो उसका आशीष हमारे जीवन में काम करता है, जब हम विश्वास करते हैं तो उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है। यहां दो तरीके के विश्वास है मेरे भाई, एक भोला और एक बुरा। हवा के पास क्या था? हवा ने बुरे विश्वास पर किया अमल। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आया? जैसे उसने शैतान पर विश्वास किया, दुष्ट आत्माएं अंदर आई और पाप किया उसने। हालेलुया। जैसे ही आप शैतान की, जैसे ही आप संसार की बातों पर विश्वास करते, होता क्या है? आप संसार में रहते हो, कहते नहीं भैया, झूठ बिना झूठ बोले कुछ नहीं होगा, नहीं भैया बिना धोखा दिए कुछ नहीं होगा, नहीं भैया बिना हक मारे हुए किसी का कुछ नहीं होगा। अगर आपका विश्वास इन चीजों पर है तो शैतान दुष्ट आत्माओं के द्वारा आपके जीवन में यही काम करेगा। आप सफल होंगे, आप सफल होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन परमेश्वर का आशीष आपके साथ नहीं होगा। और अगर आपका विश्वास है कि नहीं, सत्य ही जीवन है, मार्ग ही जीवन है, ज्योति ही है जिसके द्वारा हम चल सकते हैं, अगर आपका विश्वास है कि नहीं, सच बोलकर ही मुझे जीवन जीना है, नहीं मुझे उसी मार्ग पर चलना है जहां पर यीशु मसीह चला था, नहीं मुझे ज्योति की राह पर चलना है, तो मेरे भाई वो मार्ग, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो धार्मिकता परमेश्वर की आपके अंदर काम करेंगी और आप सफल होंगे, आप सफल होंगे, आपका विश्वास आपको उस रास्ते पर लेके जाएगा। हम संसार में रहते हुए डरते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे हो सकता हमारा काम खराब हो जाए, अगर हम धोखा नहीं देंगे हो सकता है हमारा काम खराब हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कौन डरा रहा है? ये कौन करता है? शैतान आपको डरा रहा है, शैतान आपको डराता है। लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है मेरे भाई, तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके साथ चलेगी, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ चलेगा। हालेलुया। आप जहां जहां जाएंगे इतिहास बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके द्वारा परमेश्वर का आशीष दुनिया तक फैलेगा। यहां पर पाप कैसे आया? क्योंकि हव्वा ने विश्वास किया। हम जब शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं मेरे भाई, तो शैतानी शक्तियां हमारे जीवन में काम करती हैं और लगातार वो देखती हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इफिसियों 6 का 12 पढ़िए, इफिसियों 6 का 12, कि वो शैतानी शक्तियां, वो अंधकार की शक्तियां, वो दुष्ट आत्माएं किस तरीके से हमें घेरे रहती हैं, किस तरीके से वो हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। पढ़िए मेरी बहन। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, इफिसियों 6 का 12, माइक दीजिए, माइक संतोष भैया इनका माइक। हाँ, क्योंकि हमारे यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। इफिसियों 6 का 12, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कहां पर है? आकाश में, आकाश में है। वो किसका इंतजार कर रही है? वो आकाश में क्यों है? ताकि वो आपका सर्वनाश करे, ताकि वो आपको गलत रास्ते पर लेके जाए। इसी का पहला पढ़िए, 11वां पढ़िए, इसी का 11वां। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रहो। यानी कि शैतान हर पल आपको ध्वस्त करने के लिए, आपको नाश करने के लिए युक्ति जड़ रहा है, वो युक्ति तैयार कर रहा है, वो उसकी प्लानिंग आपके लिए हर पल है। कहां आप कमजोर पड़े, कहां आपका विश्वास कमजोर पड़े, और वो शैतान आपको धर दबोचे, उसकी यही प्लानिंग है। इसलिए हर पल वो तैयार है। आप घर में सोते होंगे लेकिन शैतान नहीं सोता है। वो कहता है किस तरीके से मैं इस औरत को परमेश्वर से दूर करूं, कैसे इसका विश्वास कमजोर करूं। इसलिए वो कहता है हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। बारवां पढ़ेगी दोबारा। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों में हाकी एक मिनट इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है।
अंधकार के हाकिम कौन है, अंधकार का राजा कौन है, अंधकार का कौन है वो जिसको हाकिम कहा गया अंधकार का, वो है शैतान जो यहां पर है, जो संसार को चला रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम जब यीशु मसीह के पीछे चलोगे दुनिया तुमसे नफरत करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि दुनिया शैतान के बहकाए चल रही है, दुनिया के अंदर शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, आपका पिता, वो आपसे आपका नफरत करेगा क्योंकि आप यीशु मसीह से प्यार करते हो। प्यार करना गुनाह है क्या? प्यार करना गुनाह है? नहीं। लेकिन शैतान खिलाफ है कि हम यीशु के करीब ना जाएं, क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु मसीह वो नाम है जो उसको नाश कर चुका है। यीशु मसीह वो नाम है जिस नाम के नीचे हर वो नाम है। हालेलुया। इफिसियो 1:19 से आपका 23 के बीच में निकालिए। इफिसियो 1:19 से 23 के बीच में यीशु मसीह कौन है? हाँ जी भाई। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। और उसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ? यीशु की सामर्थ, यीशु की शक्ति, यीशु की शक्ति, उसका सामर्थ, उसकी धार्मिकता कितनी महान है। किनके लिए? जो उससे प्रेम करते हैं। और उसकी सामर्थ हमारी ओर से, हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आगे, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सामर्थ की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर अपने दाहिनी ओर बैठा दिया। हालेलुया। वो अधिकार जो यीशु मसीह ने लिए। अंधकार, अधोलोक की चाबी किसके पास है? हेलो, अधोलोक की चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। शैतान के पास है क्या? शैतान हारा हुआ है, लेकिन फिर भी शैतान जीतता है क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम वचन पे नहीं चलते हैं, इसलिए शैतान हमारा फायदा उठाता है। मेरे भाई, अगर आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कोई भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। आप शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं क्योंकि आप शैतान पर विश्वास करते हैं। क्यों शैतान आपके जीवन में काम करता है? क्योंकि आप शैतान पर विश्वास करते हैं। आपके जीवन में क्यों काम, आपके जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि बीमारी आएगी। 40 साल का हो गया हूं मैं, कमर में दर्द होगा, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, ये आप विश्वास करते हैं, इसलिए बीमारी आती है। हालेलुया। आप जो सोच लेंगे, नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जिस दिन आपने इस बात पर विश्वास किया मेरी बहन, बीमारी आपको ढूंढ नहीं पाएगी, बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आप विश्वास नहीं करते, आपका विश्वास कमजोर है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि अगर मैं संसार को, समाज को, अपने परिवार को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा या मैं बताऊंगी तो मुझसे नफरत करेंगे। वो नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम मेरे पास है। मैं जब यीशु मसीह का नाम आपके सामने लूंगा तो आपको आशीष मिलेगा। जब मैं ये विश्वास करूंगा तो आपको अभिषेक मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम मेरे पास है। वो नाम जो सब सब नामों से ऊंचा है। पढ़िए बेटा 20वां। जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर। उसने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर बैठाया और क्या दिया? सब प्रकार की प्रधानता किसके पास है? बोलिए, किसके पास है? सब प्रकार की प्रधानता किसके पास है? सब अधिकार किसके पास है? सारी प्रभुता किसके पास है?
हालेलुया। और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस युग में बल्कि आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। किसको? किसको? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वो नाम है जिसके पैरों के तले हर नाम है, चाहे वो नाम आपके कर्जे का हो, चाहे वो आपके चाहे वो नाम व्यभिचार का हो, चाहे वो नाम आपके कर्जे का हो, चाहे आपके श्रापों का हो, चाहे दुखों का हो, चाहे मुसीबत का हो, कोई भी नाम इस धरती पर जो भी है वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। इसलिए मेरे भाई हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु का नाम हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी नाम, और आगे क्या कहता है वो, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया। हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर विशिरों में ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हाँ। और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर, किसको? यीशु मसीह को, सारी वस्तुओं पर, सारे शय पर शिरोमणि सबसे ऊपर ठहरा कर किसे दे दिया? कलीसिया को। हेलो, किसको दे दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के पास वो अधिकार है। कलीसिया क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु की देह है कलीसिया। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु। हम कौन है? उसकी देह है। यानी कि जो अधिकार, जो आशीष, जो अभिषेक, जो प्रोमिसेस, जो शक्तियां यीशु मसीह के पास हैं, वो मेरे पास हैं। हालेलुया मेरे भाई। हेलो, आपको ताली बजाना नहीं आता है? अरे, आपके पास वो अधिकार है जो यीशु के हैं। हालेलुया, आप यीशु के बच्चे हैं। आप नहीं जानते आप कौन हैं। आपका विश्वास आपको आशीष दिलाता है। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके साथ है। अगर आप संदेह करते हैं, क्या पता यीशु मसीह मेरे साथ है कि नहीं है, नहीं है यीशु मसीह आपके पास। आपका विश्वास आपको ताकत देता है, आपका विश्वास आपको शक्ति देता है, आपका विश्वास आपको यीशु से मिलवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, अगर आपका विश्वास यीशु पे नहीं है, अगर आपका विश्वास उसकी शक्ति पर नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं कि वो शिरोमणि है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं कि हर वो नाम जो इस युग में लिया जाएगा या आने वाले युग में लिया जाएगा वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे है, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए शैतान आपका फायदा उठाता है, क्योंकि आपका विश्वास किस पर है? संसार पर। आपका विश्वास किस पर है? धोखे पर। आप जानते कि नहीं 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 नहीं, हमें ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती, आप समझते हैं हम काबिल ही नहीं है। हालेलुया। आप समझते हैं कि स्वर्गीय सुख के हम योग्य नहीं है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आपकी योग्यता के बल पर आपको आशीष नहीं मिली है। हेलो, आपकी योग्यता के बल पर आपके पापों से आपको मुक्ति नहीं मिली है, ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें शुद्ध कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं थे इस काबिल, हम नहीं थे इस काबिल कि यहां बैठे उसका नाम भी ले सके, लेकिन उसने कृपा की। पता नहीं उसने हमको कैसे चुन लिया। हालेलुया। इसलिए जो सामर्थ, जो अधिकार, जो शक्तियां यीशु मसीह के नाम से हैं, वो यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में काम करती हैं। लेकिन वो कब करेंगी मेरे भाई? जब आप विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके नीचे चाहे 600 आदमी काम करते हो, लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो 600 आदमी काम नहीं करेंगे। अगर आपका विश्वास है, नहीं मैंने बोल दिया, चल तू यहां काम कर, यहां काम कर, यहां काम कर, ये काम करेगा, करेंगे वो, क्योंकि आपका विश्वास है, मैंने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कहा मैंने बोला है कि उसको काम करना है, क्योंकि वो मेरे महतात है, मेरे नीचे वो मेरा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास आपकी दुनिया को चला रहा है। यहां से मैं फोन करूंगा, मेरा आदमी काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं आपके आदमी को पता लग जाए कि जो मेरा मालिक है वो मुझसे डरता है। कहीं आपके आदमी को पता लग जाए कि मेरे मालिक को मुझ पर विश्वास नहीं है, वो काम करेगा नहीं।
उस वो कमजोर हो जाएगा कि मेरा मालिक मुझ पर विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। अगर आप अपने नौकर से बोलेंगे, देख भैया मैं जा रहा हूं, तुझे ये दीवार खड़ी करनी है, प्लीज करेगा ना, तू वो नहीं करेगा। करेगा? ये तुझे दीवार खड़ी करनी है, बात खत्म, ये तेरा काम है, तुझे करना है, करेगा। हेलो, आपका विश्वास आपको विजयी बनाता है। इसीलिए परमेश्वर के संग आपका क्या होना चाहिए? विश्वास। हम डरते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी दुनिया में विश्वास ही नहीं करते कि यीशु मसीह मेरे साथ हमेशा है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 10:9-11, हमें विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए आपके जीवन में अशांति होती है, इसलिए आप संदेह करते हैं काम होगा या नहीं होगा। मेरे संग यीशु है, मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। आपका बच्चा संदेह के पास नहीं आता कि पापा मुझे देंगे, देंगे, पापा मुझे ये चीज चाहिए, बस बात खत्म, चला गया वो, मुझे मिलेगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने अपने बाप से कहा है, मेरा पिता है। जिस दिन आप विश्वास करेंगे कि वो आपका पिता है, जिस दिन आप विश्वास करेंगे मेरा पिता है, जो मांगूंगा वो मिलेगा मुझे, उस दिन आपको मिलेगा, उस दिन आपके रास्ते खुलेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि एक शक्ति मेरे संग चल रही है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूं, एक शक्ति है मेरे साथ, एक शक्ति है मेरे साथ। बोलिए रोमियो 10:9, बोलिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, क्या लिखा है बाइबल में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, दुनिया के सामने बोले, विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, तो क्या होगा? और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्या है यहां पर, क्या लिंक है? विश्वास का, और कुछ भी नहीं है। मेरे और प्रभु के बीच में प्रभु क्या चाहता है? विश्वास। मेरा विश्वास अगर है कि मेरा प्रभु मुझे बचाने के लिए आया है, वो परमेश्वर का पुत्र है, अगर मैं अंगीकार करता हूं, उसी पल मैं उद्धार पाऊंगा, उसी पल मैं चेंज हो जाऊंगा, मेरी बुद्धि चेंज हो जाएगी, मेरा मन चेंज हो जाएगा, मेरी आत्मा जिंदा हो जाएगी, उसी पल यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है। एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको चेक करने की क्या जरूरत है? आपका विश्वास। क्या आप विश्वास से अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं संदेह तो नहीं है? कहीं अकेले में तो अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, लेकिन दुनिया के सामने आप बोलते हुए घबरा रहे हैं। क्या आपका अंगीकार कैसा है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम अकेले में बोलता था, सारा मेरी पत्नी है, दुनिया के सामने जाता था, मेरी बहन है। प्रेज द लॉर्ड। आपका ऐसा विश्वास तो नहीं है? आपका विश्वास क्या है? किसी भी स्थिति में, कहीं भी, कैसे भी वातावरण में, यीशु मेरा प्रभु है। मेरा अंगीकार सबके सामने होना चाहिए और गर्व के साथ होना चाहिए कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का पुत्र है और वो मर के जिंदा हुआ है। हालेलुया। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए। हालेलुया। देखिए, विश्वास पर, क्योंकि धार्मिकता के लिए, अगर आपको धार्मिकता चाहिए, क्रूस से क्या मिलता है? धार्मिकता। क्रूस पर उसने क्या लिया? आपके पाप। क्रूस पर उसने आपके पाप लिए और क्या दिया आपको? धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल क्या कहती है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमेन। हालेलुया।
अगर आपको उद्धार चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, आप अंगीकार करिए। अपने पड़ोसी से बोलिए, कहते कहां गए थे? चर्च गया था। कौन है वहां पर? मेरा प्रभु यीशु। हालेलुया। देखिए आपका उद्धार काम करेगा। आपका उद्धार क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आप पड़ोसी को बताने से डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने भाइयों को बताने से डरते हैं, जहां काम करते हैं वहां बताने से डरते हैं कि अरे मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम यीशु से प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ही आपको बचाता है मेरे भाई। यीशु ही है जो आपको शैतान के चंगुल से बचाता है। यीशु ही है जो आपके आपके पास अपने स्वर्गदूत भेजता है। यीशु ही है जो आपको पंखों के तले छुपाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कौन है? वही है। अय्यूब 28 का 8 निकालिए। उस अभिमानी पशुओं ने पांव नहीं धरा और उसने नवा दिखाई, नवा 9th। मनुष्य चकमा के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। Praise the Lord! जब यीशु आपके पास होता है तो आप अपनी मुसीबतों को, अपने पहाड़ों को उलट देते हैं। हालेलुया। आपके लिए पहाड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास कौन है? यीशु मसीह। कोई भी मुसीबत का पहाड़ आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास यीशु है। कोई भी शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकती मेरे भाई। कोई भी शैतानी षड्यंत्र आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। अगर कोई भी शैतान आपके जीवन में योजना बनाएगा, पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, प्रभु आपको बचाएगा और उठा के ऐसे रख देगा कि आपको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। 10वां, वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके संग यीशु है, जिसके संग प्रभु है, जिसके संग विश्वास है, वो चट्टान को खोदकर नालियां बनाता है और उसकी नजर, उसकी आंखें हर एक अनमोल वस्तु को देखती हैं। हेलो, आपके संग जब यीशु है, आपका अगर विश्वास यीशु मसीह पर है, तो आपकी आंखों के सामने अनमोल चीजें ही आएंगी। बेकार की चीजें नहीं आएंगी, बेकार के पत्थर नहीं आएंगे, अनमोल चीजें ही आएंगी आपकी आंखों के सामने। आपको बेस्ट मिलेगा, आपके जीवन में आपको बेस्ट मिलेगा। वो कहता है उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु ही दिखाई पड़ती है। Praise the Lord, hallelujah, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने वो आपको बुद्धि दी है। जब आप यीशु मसीह के हो जाते हैं मेरी बहन, तो उसकी बुद्धि आपके जीवन में काम करती है। आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसका सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। आपका सामर्थ जीवन में काम नहीं करता है। Praise the Lord। मैं आज जो आपके सामने बोल रहा हूं, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए उसकी बुद्धि के द्वारा मैं बात कर रहा हूं और हमेशा हमें उसकी बुद्धि के अनुसार ही चलना है। जब हम यीशु के हो जाते हैं, जब यीशु मसीह का सामर्थ हमारे अंदर आ जाता है, जब यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, जब हम विश्वास करते हैं मेरी बहन, मेरा यीशु हर पल आपके साथ रहता है। आपका विश्वास आपको आशीष देता है। उठता बैठता, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लेटते हैं, कहां जाते हैं, सबकी फिक्र करता है यीशु, क्योंकि आपने विश्वास किया है। आपके मुंह में, भजन संहिता 139:4, आपके मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है, आपके मुंह में कोई भी बात आने से पहले प्रभु आपकी बात पूरी करता है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। Yes, Lord. Hallelujah. भजन संहिता 139:4, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं आती जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। अधूर से नहीं, थोड़ी बात नहीं। मनों को जांचने वाला यीशु है मेरे भाई। आपके मन में क्या है प्रभु जानता है। आप अपनी पत्नी से, अपने
बॉस से, अपने पिता से, अपनी माँ से छुपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं छुपा सकते हैं। वो आपको मन से, वो आपके मन को देखता है, आपके शरीर को नहीं देखता है। आप चाहे घुटना टेक कर प्रार्थना करें, लेकिन अगर आपका मन यहां नहीं है तो प्रभु यहां नहीं है। मन से प्रार्थना करिए, वो आपके मन को देखता है मेरी बहन, वो आपके मन की चिंता करता है, इसलिए उसने आपके मन को नया किया, आपके शरीर को नया नहीं किया उसने। मेरा शरीर जो पहले था वो अभी भी है, मेरे नाम पहले अनिल था अभी भी है, मैं बॉलीवुड में काम करता था, 5 फिल्मों का हीरो था, उस समय जैसा दिखता था वैसे अभी भी दिखता हूं, लेकिन उसने क्या बदला, मेरा मन बदला, मेरा मन बदला उसने, मेरे मन को नया कर दिया उसने, जैसे मैंने उस पर विश्वास किया पूरी तरीके से मेरा मन बदल दिया उसने। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका आशीष पाते हैं। विश्वास क्या है, क्या उसने हमें दिया है? कुलुसियों 1:12, 1:22, कुलुसियों 1:22, हमें विश्वास करना है कि उसने हमें क्या दिया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ है, हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। जब हम मन से विश्वास करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता पाते हैं, और जब मुंह से विश्वास करते हैं, बोलकर विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। तो यानी कि हमारा विश्वास हमें क्या देता है, बाइबल क्या लिखती है, कुलुसियों 1:22, उसने अब उसकी शरीर देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अगर हम विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करिए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा आप निर्दोष, निष्कलंक और निष्पापी बनाए जा चुके हैं। आप निर्दोष, निष्कलंक, निष्पापी बनाए जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप निर्दोष बन चुके हैं, निष्पापी बन चुके हैं, निष्कलंक बन चुके हैं आप। आपको विश्वास के संग अंगीकार करना है, आपको विश्वास के संग स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपका विश्वास अगर धरती पर नहीं है, देखिए एक धनी आदमी था जिसकी दहलीज पर एक कोड़ी बैठता था, लाजर। प्रेज द लॉर्ड। वो लाजर बैठता था, वो फेंके हुए टुकड़े देता था, वो धनी आदमी बेजानी वस्त्र पहनता था, ठोके टुकड़े देता था, और वो जो लाजर था, जो कोड़ी था, वो उसे खाता था। बाइबल बताती है कि कोड़ी के जख्मों को कुत्ते चाटते थे, मक्खियां बैठती थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे 27 और 28, लूका 16:27-28, धनी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन धनी व्यक्ति कहां गया, नरक में, अधलोक में गया, और ये लाजर कहां गया, स्वर्ग लोक में, इब्राहिम की गोदी में। जब ये धनी व्यक्ति मरा तो उसने देखा कि लाजर इब्राहिम की गोद में था। उसने कहा, अरे मैं धनी आदमी हूं, मेरे पास इतना पैसा था, और ये भिखारी आदमी धरती पर, और ये कहां पर है, स्वर्ग लोक में, और मैं अधलोक में इस आग में जल रहा हूं, मैं इस अधलोक में एक आग में जल रहा हूं। उसने कहा, इब्राहिम इससे बोल मुझे इतना सा पानी की, एक पानी की बूंद दे दे, ताकि मैं अपनी जीभ पर लगाऊं। इब्राहिम ने कहा, मुमकिन नहीं है, क्योंकि अधलोक और स्वर्ग लोक की दूरी आप तय नहीं कर सकते, हटाई नहीं जा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुमकिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुमकिन नहीं है। इब्राहिम ने कहा कि तुम सत्य को जानो, उस अमीर आदमी ने सत्य को कहां जाना, अधलोक में। धनी व्यक्ति ने कहां जाना यीशु को, अधलोक में। उसने कहां विश्वास किया, अधलोक में। बाइबल कहती है हमें इस धरती पर विश्वास करना है, अगर हम इस धरती पर विश्वास नहीं कर पाए, अधलोक में हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। 27 और 28 पढ़िए। उसने कहा, तो हे पिता, हे पिता, हे इब्राहिम, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मैं, हालेलुया, आज वो कह रहा है कि मैं विनती करता हूँ,
जब वो धरती पर था उसने आज तक हाथ नहीं जोड़े। वो धनी व्यक्ति जब धरती पर था उसने जानने की कोशिश नहीं की कौन है मेरा उद्धारकर्ता, कौन है मेरा मसीहा, कौन है मेरा बचाने वाला, उसने नहीं सोचा। लेकिन आप जब वो अधलोक में आया है, जब वो आग में जल रहा है, तो कहता है मेरे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अरे मेरे पिता के घर भेज उसको, मैं तो चलो अधलोक में आ गया लेकिन मेरे पांच भाई अभी भी धरती पर हैं, उन्हें बता कि किस तरीके से जिंदगी जीनी है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए जीवन नहीं है, उद्धार नहीं है, स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। 28वां, क्योंकि मेरे पास भाई हैं, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरे भाई, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं और वो इन उनके सामने इन बातों की गवाही दे। किन बातों की गवाही दे? कि मैं अधोलोक में हूं। यहां से किसी को भेजो ताकि मेरे भाई को बताए कि मैं अधोलोक में पढ़ रहा हूं। मेरे पास पानी की एक बूंद नहीं है, धरती का पैसा, धरती की दौलत कोई काम नहीं आएगी अधोलोक में। उन्हें बताओ, मेरी स्थिति बताओ कि मैं अधोलोक में आ गया हूं। सुन लो, बिना यीशु के उद्धार नहीं है। जानो, इस अमीर आदमी ने कोई पाप नहीं किया था लेकिन सिर्फ यीशु को नहीं अपनाया। बिना यीशु के जीवन नहीं है, बिना यीशु के उद्धार नहीं है, बिना यीशु के स्वर्ग नहीं है। वो कहता है इसको भेजो और बताओ कि मेरी स्थिति क्या है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, जरा सा सुख आता है, जरा सा शरीर का सुख हमें मिलता है, हम भूल जाते हैं, हम उसी में रह जाते हैं। अरे नहीं, अरे अब तो बस जीवन में सब कुछ है। अरे मेरे भाई, जीवन का सब कुछ कुछ काम नहीं आएगा, यीशु काम आएगा। कोई धन दौलत, कोई पैसा, कोई आपकी वसीयत, कोई आपके बंगले गाड़ी कुछ काम नहीं आएगी अगर यीशु आपके पास नहीं है। अगर यीशु आपके पास है तो आपको जीवन का अनंत काल का सुख है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है, ये रियल है। ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया बाइबल में, ये रियल है। लाजर मरा और गया कहां? स्वर्ग लोक। और वो अमीर आदमी मरा, कहां गया? अधलोक। समय नहीं था उसके पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्स प्रेरितों के काम 1:10-5। यहां भी कुर्नेलियस नाम का एक आदमी है, जो प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लोग आराधनालय में दान भी देता है, सब कुछ देता है। आराधनालय उसने बनवाया है, इतना उसने दान दिया कि लोगों के चर्चेस बना दिए। लेकिन उसके पास यीशु का उद्धार नहीं था। देखिए कुर्नेलियस प्रेरितों के काम 10:1-5। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ध्यान से सुनिए, वो भक्त था और अपने सारे घर के साथ परमेश्वर से डरता था। देखिए उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। कुर्नेलियस था जो कि भक्त था और परमेश्वर से डरता था। देखिए हालेलुया, आगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, क्या था वो? यहूदियों में दान देता था, परमेश्वर से डरता था और लगातार प्रार्थना करता था। आगे,
उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन उसने दिन के तीसरे पहर में एक निकट एक मिनट उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियस, हालेलुया। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा कि हे प्रभु क्या है। अब कुरनेलियस प्रार्थना करते करते सो गया। यहां पर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा उसके पास और उसने कहा कि हे कुरनेलियस मेरी बात सुन। आगे क्या है? उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है। हाँ। उसने उसे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। एक मिनट, तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किए। ध्यान से समझिए, तेरी जो प्रार्थनाएं हैं, तेरे जो दान हैं, वो परमेश्वर के सामने है, उसने स्वीकार नहीं किए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उसने स्वीकार नहीं की है, उसके सामने प्रार्थनाएं और दान पहुंचे हैं। आगे, और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को जो पत्रस के लेता है बुलवा ले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का ज्ञान, यीशु का सुसमाचार जब तक तू नहीं सुनेगा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरा दान परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आप कितने भी दान कर लें, आप कितने भी प्रार्थनाएं कर लें, जब तक यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को नहीं जिएंगे। कुरनेलियस जो कि बहुत बड़ा दानी था, प्रार्थना करता था, लेकिन उसे यीशु के बारे में नहीं पता था, उसने उद्धार नहीं पाया था, बपतिस्मा नहीं लिया था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, बुला पतरस को और उसके द्वारा वचन सुन, सुसमाचार सुन, पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल कर, तब तू मेरे योग्य बनेगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 14:7, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन, हालेलुया। कुरनेलियस को क्या बोला स्वर्गदूत ने, कि शमौन को बोला तू प्रार्थनाएं कर रहा है, तू दान दे रहा है, लेकिन यीशु को ग्रहण कर। क्या कहता यीशु मसीह, कि मार्ग सत्य जीवन सिर्फ मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। बिना उस मार्ग के, जिस मार्ग पर यीशु मसीह है, बिना उस मार्ग के, बिना उस ज्योति के, बिना उस जीवन के, आप यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते। ये एक नियम है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा? परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्यों शुद्ध किया? क्योंकि यीशु ही मार्ग बनकर हमारे जीवन में आया है, वही ज्योति है मेरे भाई। यीशु ही एक ऐसा नाम है जिस नाम के नीचे हर नाम है। आप गूगल में टाइप करिए यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु ही दिखाई देगा और कोई दूसरा नाम इस धरती पर यीशु मसीह नाम का दूसरा आदमी नहीं है। अनिल नाम के हजारों हैं, देवशीष नाम के हजारों हैं, अर्जुन नाम के हजारों हैं, अनिशा के, राधा के, सीता के नाम के हजारों करोड़ों हैं, राम नाम के हजारों हैं, लेकिन यीशु मसीह नाम का एक ही है। वो नाम स्वर्ग से उतरा है, वो नाम स्वर्ग से मिला है, इसलिए उस नाम के अंदर सामर्थ्य है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। इसलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हैं, आपको चंगाई मिलती है। कौन चंगाई देने वाला है? मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। कौन करता है? वो नाम जो हर नाम के ऊपर है। इसलिए मेरे भाई, उस नाम पर हमें विश्वास करना है। इसलिए बाइबल कहती है, जब हम विश्वास करते हैं उसके नाम पर, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का, परमेश्वर का पुत्र यीशु है, उसी पल हम शुद्ध हो जाते हैं।
आप समझने की कोशिश करिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सिर्फ हमारा विश्वास करना हमें आजाद करता है पीढ़ियों के श्रापों से, पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों से। हमें एक नाम आजाद करता है और वो नाम है यीशु मसीह। और कोई दूसरा नाम नहीं है। हमारी हर दरिद्रता को, हमारी हर बीमारी को सिर्फ एक नाम निकाल सकता है और वो है यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं है। जब हम अविश्वास करते हैं, जब हम शैतान पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता। इशाया 59:1-2, जैसे ही हम शैतान पर विश्वास करते हैं मेरे भाई, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। इशाया 59:1-2, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है जो उद्धार न कर सके। आगे, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। सुन न सके, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है। वो परमेश्वर है, वो बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है। उसके हाथ छोटे नहीं है कि वो आपका उद्धार नहीं कर सकता है। लेकिन आपका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अब पवित्र हो गई हैं। क्यों वो दूर है आपसे? क्यों वो दूर हो गया? क्योंकि आप शैतान की चाल चल रहे हैं, आप परमेश्वर की चाल नहीं चल रहे हैं। उसके हाथ छोटे नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो गूंगा है, वो आपकी प्रार्थना को समझता है, सुनता है। उसके हाथ छोटे नहीं है जो आपको चंगाई ना दे सके। लेकिन क्यों नहीं मिल रहे आपको आशीष? क्यों आप श्रापों में हैं? क्यों आप दुखी हैं? क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपने हत्याएं की, लोगों के दिल को आपने छला है, धोखा दिया है दूसरों को। आपकी अपवित्रता की वजह से आप परमेश्वर से दूर हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कैसे परमेश्वर आपके साथ रहेगा जिसके मुंह से झूठ और कुटिल बातें निकलती हैं? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धरती पर यीशु मसीह आया, उसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। इसलिए मेरे भाई, बहुत जरूरी है कि हम यीशु पर विश्वास करें, अपना विश्वास शैतान से हटाएं, अपना विश्वास संसार से निकालें, क्योंकि संसार आपको जो भी देगा उसकी समय सीमा है, लेकिन यीशु जो आपको देगा वो अनंत काल का है। कुछ भी आप संसार से पा लें मेरे भाई, उसकी समय सीमा है, लेकिन जो आपको यीशु देगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि समय को अपने हाथ में बांधने वाला यीशु है। समय पर उसका अधिकार है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, उस वचन को हम समझें। जब हम विश्वास करते हैं तो हम आशीष पाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो आजादी पाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ को अपने साथ महसूस करते हैं। इसलिए हमें शैतान पर विश्वास नहीं करना है, हमें संसार पर विश्वास नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो यीशु ने कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है, जो उसके वचन है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, वो हमें उन पर विश्वास करना है, ताकि हमारे साथ उसकी आशीषें हमेशा बनी रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों ने ये वचन ग्रहण किया? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करेंगे? यीशु ही प्रभु है, देने वाला यीशु है, बचाने वाला यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। आपको साथ चलने वाला यीशु है, और कोई नहीं है आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की।